हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, तनीषा शर्मा केस पर शिविन नारंग ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, शिविन नारंग ने बड़े बड़े खुलासे करते हुए तनीषा शर्मा से जुड़े कई ऐसे राज बताए जिसके बाद आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि शिविन नारंग और तनीषा शर्मा एक बहुत बड़े और यूनिक सीरियल इंटरनेट वाला लव में एक बार साथ नजर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वजह रही कि तनीषा शर्मा के जाने का सदमा शिविन नारंग भी नहीं सह पा रहे। उन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हुए बताया है कि तनीषा शर्मा हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो शिविन नारंग है वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं, आई स्टिल कांट बिलीव दिस हैज हैपेंड। इमेजिन, वी वर supposed to shoot on the same day when this tragedy happened. However, a week prior, I learned that she had some health issues and the shoot had to be postponed. I wish we had shoot that day. I probably would have understood her state of mind and could have helped her. Well, दोस्तों, इससे साफ तौर से शिविन नारंग ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन तनीषा शर्मा ने अपनी जान गंवाई, उस दिन एक म्यूजिक एल्बम के लिए शिविन नारंग और साथ ही साथ तनीषा शर्मा एक होने वाले थे और वो दोनों साथ में शूटिंग करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका था, लेकिन खबर सामने आई कि तनीषा शर्मा की तबीयत खराब है। उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिस वजह से शूट को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और इसी बात से काफ़ी ज़्यादा आहत है शिविन नारंग। शिविन का ये कहना था कि काश उस दिन हमारा शूट पोस्टपोन नहीं हुआ होता, काश उसी दिन हमने शूट किया होता तो मैं उस दिन तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे हाव भाव से तुम्हारी तकलीफ में समझ जाता और शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। वेल दोस्तों, शिविन नारंग बस इसी बात का अफसोस मना रहे हैं कि काश वो यहाँ पे होते और उस दिन शूट होता। वेल, इन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन के समय यहाँ पे काफ़ी टाइम तक शिविन और तनीषा एक साथ रहे। उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था, जिससे वो ये जानते हैं कि तनीषा दिल की बहुत अच्छी थी और इस तरह से अचानक अपनी ज़िंदगी देने का फैसला करना उनके समझ के बाहर है। आप लोग क्या कहेंगे? हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।